ज्ञानवापी मामले में एएसआई की याचिका पर फैसला आज। स्टडी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एक्सटेंशन एप्लीकेशन पर सुनवाई पूरी। जिला जज तय करेंगे तारीख। ज्ञानवापी मामले में एएसआई की याचिका पर आज फैसला आ सकता है। स्टडी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एक्सटेंशन एप्लीकेशन पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। गुरुवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट से फैसला आ सकता है। वहीं बुधवार को वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट में लेट लतीफी पर नाराजगी ने एएसआई अधिकारियों के माथे पर बल ला दिए। स्टडी रिपोर्ट पेश करने को लेकर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई के दौरान जिला जज ने कई सवाल उठाए, जिन पर एएसआई के वकील ने तकनीकी साक्ष्य का कारण बताकर पल्ला झाड़ लिया। जिला जज ने 21 दिन एक्सटेंशन एप्लीकेशन पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और आज रिपोर्ट पेश करने की तारीख भी तय करेंगे। वहीं मस्जिद कमेटी ने लिखित रूप से समय बढ़ाने का विरोध जताया है। जिला जज ने अब तक 4 बार एएसआई सर्वे का समय बढ़ाया है। इससे पहले 17 नवंबर को एएसआई ने कोर्ट में एप्लीकेशन देकर रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन का ही समय दिया था। ज्ञानवापी का सर्वे 3 अगस्त से शुरू होकर 17 नवंबर को खत्म हुआ। कोर्ट ने एएसआई को 17 नवंबर को ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। एएसआई ने 100 से ज्यादा दिन तक ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया। सर्वे के दौरान खंडित मूर्तियां, गड़ा चिन्ह जैसे 250 अवशेष मिले थे। इन्हें डीएम की निगरानी में लॉकर में जमा कराया गया था। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।